दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत पेशेंस है। इतनी देर से आप लोग सुन रहे हैं और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सर ने जेल वाली बात कही तो आज मैं जब आ रहा था भोपाल तो मेरे दोस्त हमको लेने के लिए गए और सबसे पहले भोपाल में जो चीज दिखाई वो भोपाल का जेल था। हमने कहा कि ये तुम्हारा प्यार है मेरे प्रति, चिंता है या तुम्हारा कमीनापन है? तो बोला कि नहीं, देख लो, हो सकता है कि यहां भी आना पड़े। हम बोले देखो, हम आए ना आए, लेकिन नासा के लोगों को यहां जरूर आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि भोपाल के जेल में एक अद्भुत घटना घटी। लकड़ी की चाबी से ताला खोल दिया गया। इस पे तो नासा को रिसर्च करना चाहिए। और मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं मीडिया ये ना लिख दे कि कैदियों ने गेट के सामने यह कहा, खुल जा सिंह, गेट खुल गया और लोग निकल लिए। इस तरीके का नैरेटिव चल रहा है देश के अंदर। चारों तरफ जो शोर शराबा है उसमें हमारे लिए, इस युवा संवाद के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, किस पे हमको विमर्श करना चाहिए और किस तरीके के मुद्दों को उठा करके संघर्ष करना चाहिए और उस संघर्ष के द्वारा कैसे देश और समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, इस पे आज बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और इस लिहाज से यह कार्यक्रम, भोपाल का यह जन उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आयोजकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो विमर्श हमारे सामने परोसा जा रहा है उससे हम बच नहीं सकते हैं। हमको उस विमर्श में जाना पड़ेगा, चाहे वो धर्म का विमर्श हो, चाहे वो इतिहास का विमर्श हो, चाहे वो संस्कृति का विमर्श हो। तो आज एक बात बहुत जोर शोर से कही जा रही है, योगी की बात, संन्यास की बात, हिंदू धर्म की बात, राम की बात, ताजमहल की बात, पद्मावती की बात, खिलजी की बात, ये चीजें हमारे सामने रखी जा रही है। हिंदू धर्म क्या है? मैं समझता हूं कि इसको आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है। इस देश का कोई भी साधारण हिंदू बहुत आसानी से इस बात को समझा सकता है कि हिंदू होने का क्या मतलब है। और आप इंसान बदलते चले जाइए, हिंदू धर्म का मायने बदलता चला जाएगा। आप जगह बदलते चले जाइए, राम और रामायण की कहानियां बदलती चली जाएगी। ऐसे दौर में जब नकली भोगी योगी बनकर के आपके सामने खड़ा है, तब आपको संन्यास पे सवाल खड़ा करना पड़ेगा। एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि राजा नंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने तय किया कि हम इसको राजगद्दी से उतारेंगे, लेकिन चाणक्य के मन में यह भावना नहीं थी कि हम खुद ही राजगद्दी पे बैठ जाएंगे। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजगद्दी पे शामिल हुए। एक हमारे योगी जी हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भगवा रंग का इतिहास आरएसएस के जन्म के इतिहास से कई हजार साल पुराना है। आरएसएस 1925 में बना है। महात्मा बुद्ध का जो छीवर था उसका रंग भगवा था। साहू जी महाराज एंटी का, संभाजी महाराज एंटी कास्ट मूवमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ उनका रंग भगवा था। अन्ना भाऊ साठे के द्वारा जो आंदोलन चलता था उसका रंग भगवा था। शिवाजी महाराज का रंग भगवा था। इस देश के अंदर त्याग का रंग भगवा रहा है और आज भोग का रंग भगवा बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें यह देखिए कि योगी जी उत्तराखंड से लखनऊ आते हैं सीएम बन करके। उससे पहले अपना पड़ाव डालते हैं वो गोरखपुर में। और ये नए जमाने के योगी हैं जो कह रहे हैं कि सन्यासियों को भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब राज सत्ता अपने राज धर्म को सही तरीके से नहीं निभाएगी तो सन्यासियों को भी गद्दी पर बैठना पड़ेगा। अरे योगी जी,
आपके सामने भी केशव चंद्र मौर्य था, आपने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उसको क्यों नहीं सत्ता पे बिठा दिया, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप चाणक्य होने का ढोंग कर रहे हैं, आप सन्यास धर्म की परंपरा को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म के रंगों और प्रतीकों को जनता के मन में खौफ के तरीके से उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है तो मंदिर सिर्फ अयोध्या में क्यों, सिर्फ अयोध्या में क्यों? मंगलयान गया है, राम जी की मूर्ति भेज देते हैं, वहां भी एक मंदिर बन जाएगा, चांद पर भी एक मंदिर बन जाएगा। मसला यह है कि मंदिर बनाना ही नहीं है, मंदिर बन जाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए यदि सरकार बनाना है तो मंदिर नहीं बनाना है। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि यह साजिश है, ये साजिश है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि आरएसएस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। गलत बात है, आरएसएस इस देश के अंदर बुनियादी तौर पर महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। इस देश की परंपरा, संस्कृति, हिंदू धर्म और तमाम जो त्याग और संन्यास की परंपरा है उसके खिलाफ है। यह बात इस देश के लोगों को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी विविधता की बात की गई है। इसीलिए आप जाइए अलग अलग जगह पे, जो राम के भजन है उसका अंतर आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ लोग हमेशा बोलते हैं सीता राम, राम से पहले सीता का नाम लेते हैं, कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं, और जितनी भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इवन कि कोई संगीत का भी कार्यक्रम हो तो राम का वंदना पहले नहीं गाया जाता है, गणेश स्तुति सबसे पहले गाई जाती है। ये पूरे के पूरी धर्म की विविधता को भी खत्म कर देना चाहते हैं, सीता राम को राम राम को या जय श्री राम के राजनीतिक नारे में बदल देना चाहते हैं। पूरे के पूरे विमर्श को उलट दिया गया है, और इस विमर्श को हम चुपचाप बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उसके सामने हम अपना नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाते हैं। और अपना नैरेटिव ये है कि आपको खिलजी की बड़ी चिंता हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। आपको पद्मावती की बड़ी चिंता हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। इस देश में यदि पद्मावती का सम्मान हो, द्रौपदी का सम्मान हो, सीता का सम्मान हो, रजिया सुल्तान का सम्मान हो, लक्ष्मीबाई का सम्मान हो, सरोजिनी नायडू का सम्मान हो, सोनी सोरी का सम्मान हो, इरोम शर्मिला का सम्मान हो, शत्रुपा चक्रवर्ती का सम्मान हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इतिहास के उस चरित्र को बचाने की इतनी जल्दबाजी है, पद्मावतियों को जो पेट में मार दिया जा रहा है उसके लिए कौन सड़कों पर निकलेगा, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सम्मान तब कम नहीं होता है जब 1.5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है? क्या हमारा सम्मान तब कम नहीं होता है जब यह कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके कब्र से निकाल करके उनका बलात्कार किया जाएगा? तब हमारा सम्मान कम नहीं होता है? तब हम उस नारे को कैसे भूल जाते हैं जिसमें हमने कहा कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस सवाल को हम कैसे भूल जाते हैं? ये एक खेल है, ये एक खेल है, ये एक भुलावा है, ये एक साजिश है, और ये सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। दरअसल हम लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट कर रही है सरकार। इसीलिए आज तुम्हारा सवाल, मेरा सवाल, हम सबका सवाल और देश का सवाल, ये अलग अलग सवाल नहीं है, ये एक सवाल है, और तमाम सवालों को हमको एक साथ एकजुट होकर उठाना पड़ेगा। ये परिस्थिति आज हमारे सामने खड़ा की गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में विविधता का सम्मान कीजिए, लेकिन विभिन्नता के नाम पे एकता को खंडित मत होने दीजिए। किस तरीके से हिंसा को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है, अब तो कोई बोलता भी नहीं है। आस पड़ोस में यदि कोई मारा गया हो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जिस देश में 12,000 किसान आत्महत्या कर लेते हो और लोगों के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, तो इस देश की संवेदना के ऊपर सवाल खड़ा हो। और अभी जब मैं भोपाल आया हूं तो अभी चर्चा हो रही थी ऐतिहासिक मिथ के बारे में, तो भोपाल के नाम के बारे में कहा जाता है कि ये राजा भोज के नाम पे, भोजपाल से भोपाल बना है। राजा भोज के नाम पे जो है एक ब्रिज भी बना हुआ है, पुल भी बना हुआ है।
भाई साहब इतिहास में यदि राजा भोज होंगे तो गंगू भी होगा। इतिहास में यदि पद्मावती होंगी तो खिलजी भी होंगे और जायसी भी होंगे। इतिहास में यदि दुर्गा होंगी तो महिषासुर भी होंगे। इतिहास में यदि राम होंगे तो रावण भी होंगे। इतिहास में यदि कृष्ण होंगे तो कंस भी होंगे। ये जो ऐतिहासिक चीजें हैं जिसमें मिथ भी है और इतिहास भी है और साहित्य भी है, कई बार क्या किया जा रहा है कि मिथ को इतिहास, इतिहास को साहित्य और साहित्य को इतिहास समझ लिया जा रहा है। मैं इन चीजों में जाना नहीं चाहता, बस मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, वो ये है कि यदि आज हम बाबर की गलती का बदला जावेद मियां से लेना चाहते हैं तो हम कौन सा देश बनाना चाहते हैं? बस एक सवाल है हमारा। हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि राम मंदिर बना दिया जाए, मैंने अयोध्या में ही क्यों, हम तो मिथिला से आते हैं तो एक जनकपुर में भी बना दिया जाए, नेपाल सरकार को चिट्ठी लिख करके राम और सीता की जो है मंदिर वहां बना दी जाए, और अमेरिका को भी कहा जाए कि हम आपको अपना राम जी दे रहे हैं, आप इनको जरा मंगल पे पहुंचा दीजिए क्योंकि हम तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मंदिर नहीं बनाना है, लोगों का जो इतिहास बना है हजारों साल में उसको तोड़ देना है, उसको खंडित कर देना है, और जो हमारी साझी विरासत है, साझा इतिहास है, उस साझी विरासत, उस साझे इतिहास को खत्म कर देना है। और ये सब कुछ इसलिए कर रहा है, कोई भी शासक इतिहास में जब अपना पांव गलत तरीके से धसाता है इसका मतलब यह है कि वर्तमान में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आज छात्रों और नौजवानों के सवाल को दफन किया जा रहा है, ये बात हमको समझने की जरूरत है। अगर हम युवा संवाद कर रहे हैं, इस देश के जो 18 करोड़ बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल ये है कि उनको नौकरी कैसे मिलेगी, उनको शिक्षा कैसे मिलेगा, और डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी कैसे एस्टेब्लिश होगी, आत्मसम्मान के साथ हर इंसान अपनी जिंदगी कैसे जी सकता है, ये सवाल आज हमारे सामने है। लेकिन इन सवालों पे हम चुनाव में न जाते हैं, न इस आधार पे हम पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करते हैं। तो हम क्या करते हैं? जात के नाम पे वोट देते हैं तो जातिवाद है समाज में, धर्म के नाम पे वोट देते हैं तो सांप्रदायिकता है समाज में, मर्दवादी सोच से वोट देते हैं तो पितृसत्ता है समाज में, और क्षेत्रीय ऊंच नीच के आधार पर वोट देते हैं, भाषा बोली के आधार पर वोट देते हैं तो यह क्षेत्रीय असमानता है समाज में। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम युवा संवाद कर रहे हैं तो इस युवा संवाद में हमको यह तय करना होगा कि जिस दिन हम वोट करेंगे रोजगार के लिए, जिस दिन हम वोट करेंगे न्यूनतम मजदूरी के लिए, जिस दिन हम वोट करेंगे सामाजिक न्याय के लिए, जिस दिन हम वोट करेंगे जेंडर जस्टिस के लिए, जिस दिन हम वोट करेंगे आपसपा के खात्मे के लिए, उस दिन इन तमाम मुद्दों को हम हासिल कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को हम जीत सकते हैं।